All right, more breaking news coming in. Pakistan once again stands exposed over atrocities against minorities. Now, former MLA from Imran Khan's party, Baldev Singh, along with his family members, have sought asylum in India. In fact, he has said that minorities are being persecuted in Pakistan and killings of Hindu and Sikh leaders are being carried out. बलदेव जी, ऐसी क्या नौबत आई कि आपको भारत में आकर राजनीतिक शरण मांगने की जरूरत पड़ रही है? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पहले तो ये है कि अब देख रहे हो हालात, मुल्क के हालात देख रहे हो, पाकिस्तान के जिस तरह जा रहे हैं, जिस तरह मैं खुद सियासी बंदा हूं, मैं लोगों के हालात देख सकता हूँ कि क्या हालात जा रहे हैं, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसी वजह से मैं इधर आ गया हूँ। मैंने कहा चलो, मेरी बच्ची, मैंने पहले बच्चों को शिफ्ट किया, उसके बाद फिर मैं आ गया हूँ। तो इसी वजह से मैंने अपने आप को सिक्योर इंडिया में समझा, तो मैं यहाँ आ गया। आप ये बताइए कि जब से कश्मीर में 370 लगी है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा रिएक्शन आया है, वहां पर क्या हालात है? उन दिनों में तो आप पाकिस्तान में ही थे। कश्मीर 370 इस तरह है कि मैं तो इंडिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि 370 का मामला जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि 370 है, इसी तरह पाकिस्तान में जिधर मैं रहता हूं केपी के, वहां तहरीक तालिबान निकल आए, ठीक है, वहां गोलियां चली हैं, हेलीकॉप्टर चले हैं, सब कुछ हुआ है। मैं तो फिर भी इंडिया का शुक्र गुजार हूं कि कश्मीर में इतने टाइम से मसला चल रहा है, उन्होंने कभी हेलीकॉप्टर तो नहीं उठाया। पाकिस्तान में इससे बदतर हालात है, बहुत बदतर हालात। इमरान खान को कोई संदेश देना चाहते हैं पाकिस्तान? हाँ, बिल्कुल देना चाहता हूँ। खान साहब प्लीज, आपको हमारी मिनोरिटी ने भी वोट दिया था, हमने यही सोचा था कि खान साहब आएंगे, खान साहब ने यही नारा लगाया था कि मैं कुछ करूंगा मिनोरिटी के लिए और मेजॉरिटी के लिए, मगर खान साहब इस तरह कोई नहीं हुआ, वही पुरानी पार्टियों वाले लोग आए हैं, वही पुराने लोग जो मार खप करके आए थे। आपने यही वादा किया था कि नहीं, मैं नया पाकिस्तान